से तू हाय हाय बचाओ 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 से तू हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय बचाओ से तू हाय हाय सिद्धू हाय हाय सिद्धू हाय हाय बचाओ से तू हाय हाय बचाओ से तू हाय हाय इमरान खान हाय हाय इमरान खान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान हाय हाय ये जो सिद्धू वहां गया और उसने इमरान खान को बड़ा भाई बोला और कान के अंदर कोई उसके बाद पठानकोट का अटैक हो गया और 2019 के अंदर गया था तब पुलवामा हो गया था तब भी करतारपुर गया था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी इस सारे विषय पर स्पष्ट करने का प्रयास करे। वो कहते हैं वो खुद गया, वो कहते हैं उसने खुद बोला, अगर खुद बोला पार्टी से बाहर करो। एक बंदा वहाँ जा कर के देश के सीक्रेट को लीक करता है, इमरान खान उसका दोस्त है, इमरान खान उसका यार है, उसके बाद में पठानकोट पर अटैक होता है। 2019 में गया फिर हुआ, इसलिए मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना होगा, कांग्रेस पार्टी को बताना होगा ये सारी घटना जो घट रही है। अगर उसने सिद्धू पर सिद्धू को चलता करो, सिद्धू को बाहर निकालो, सिद्धू को पाकिस्तान भेजो और जब तक ये रुका करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हिंदुस्तान के साथ वो सिक्योरिटी को लीक कर रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूँ ये जो लीक करने वाले लोग, चाहे वो महबूबा मुफ्ती है, चाहे सिद्धू है, चाहे कोई भी बंदा है जो यहाँ की सिक्योरिटी को लीक कर रहा है, उसके विषय के अंदर कार्रवाई करनी होगी और उसको नस्ते नबूद करना होगा और उसको पाकिस्तान भेजना होगा, उसको पार्टी से श्रीमती सोनिया गांधी ने हटाना होगा। आज का प्रोटेस्ट, ये जो पठानकोट के अंदर अटैक हुआ है उसका जवाब है और सिद्धू इसके अंदर शामिल है। वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को इमरान खान के कान के अंदर फूंक रहा था, वो सिक्योरिटी लीक कर रहा था, इसके विषय के अंदर जांच का विषय है, होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करके उसको पाकिस्तान भेजना चाहिए।